चाय वाला शब्द सुनते ही आपके दिमाग में कई सारे नाम आ जाते होंगे, फिर चाहे चाय सुट्टा बार के मालिक अनुभव दुबे का नाम हो या फिर MBA चाय वाले नाम से मशहूर प्रफुल्ल बिल्लौर का नाम हो, लेकिन शायद ही आपने कभी किसी महिला चाय वाले का नाम सुना होगा। दरअसल मिस गोरखपुर रह चुकी इस महिला की कहानी वाकई में काफी प्रेरणादायक है और कभी हार न मानने की सीख देती है। सिमरन गुप्ता ने 2018 में मिस गोरखपुर का खिताब जीता था, लेकिन कोरोना काल की वजह से उनका करियर डूबने की कगार पर पहुंच गया, इसलिए उन्होंने चाय बेचने का फैसला किया। सिमरन का कहना है कि उन्होंने परिवार को सपोर्ट करने के लिए चाय बेचनी शुरू की। उनकी दुकान का नाम मॉडल चाय वाली है। परिवार की कमाई कम थी, इतना ही नहीं मिस गोरखपुर का भाई दिव्यांग है। सिमरन ने बताया कि उन्होंने नौकरी भी की थी, लेकिन सैलरी कई महीनों तक पेंडिंग रहने के चलते उनके दिमाग में खुद का काम शुरू करने का आइडिया आया। सिमरन के पिता को उनकी बेटी पर गर्व है। पिता कहते हैं कि जब उनकी बेटी मॉडल बनी थी तब भी वो खुश थे और जब बेटी चाय बेचने का फैसला किया तब भी वो खुश है।